इसमें शिया पर्सनल्ला बोर्ड का क्या दखल है? सर शिया पर्सनल्ला बोर्ड एक फेक तंजीम है जिसका कोई ज़मीनी वजूद नहीं है। उसमें वो दो चार छः लोग इस टाइप के जो किसी की पान की दुकान होगी, किसी का कुछ है, उनको उन्होंने बुला बुला के साहब आइए आपको ज़रा सा मैं वो कर दूंगा। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, कोई पूर्वांचल का है, कोई कहीं का है, जिनको अपने पॉलिटिकल सोचते हैं कि बड़ी अप्रोच हो जाएगी, क्या वो बेचारे धोखा खा खा के इनके साथ जुड़ते हैं। उन्हें नहीं मालूम और उनको ये पता है कि हमारा आखिर तक कुछ नहीं होता है बेचारों का, और फिर वो छूट जाते हैं, फिर दूसरा आदमी कोई आ जाता है। शमशेर साहब ये बताइए कि बाकायदा इनके यहाँ जो कितने घर के लोग मेंबर हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, इनके साले के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है जी, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मैनेजर हैं प्रबंधक कमेटी में जी, वो क्या खेल है, कितने इनके घर वाले हैं, और खुद ऑल इंडिया शेयर पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी तो इसी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कमेटी के मेंबर हैं। देखिए मैंने उस दिन 17 लोगों का के नाम जारी किए थे जिसमें इनका जो था वो सारा वो था, और दूसरा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जो इनके घर के लोग, इनके साले उसके वो बने हुए हैं, हर किसी को जो इनके परिवार का ही है उसी को इन्होंने रखा है, कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता ताकि इनके भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से पर्दा पड़ा रहे। और जो इनके परिवार का आदमी इनकी बेईमानियों में साथ नहीं देता है वो फौरन निकाल दिया जाता है। इनके खालू थे मूसी साहब, वो ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी थे, जिस प्रकार से लोग होते हैं बुजुर्ग लोग, उन्होंने कहा साहब ये काम तो मैं नहीं करूँगा, दूसरे दिन वो निकाल दिए गए, समझ रहे हैं। तो ये हालत है इनकी। अब ये आप देख लीजिए कि लिस्ट जो है वो इनकी वहाँ की मेंबर्स की जो है वो प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान साहब, चौधरी सैयद शरीफुल हसन जैदी, हसन अख्तर रिजवी, अख्तर हसन रिजवी, एस एम हैदर रजा, उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं ये ऊपर के तो बेचारे साहब ऐसे ही चले गए, सेक्रेटरी अब्बास मुर्तुजा शमसी, ये हैं यासूब अब्बास साहब के साले, फिर मौलाना हमीद हसन साहब क़िबला, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब वो तो खैर आ ही गए, मिस्टर आबिस रिजवी, समझ रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद तकी साहब, मिस्टर सैयद रईस काजिम, ये भी इनके ही परिवार के, मिस्टर कर्रार हुसैन, मिस्टर सिप्ते मोहम्मद जाफरी, मिस्टर रियाज अस्करी, मिस्टर मोजिस रिजवी, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक, इनके चचा साहब जो थे देहांत हो गया उनका भी, मिस्टर सैयद मुख्तार अनीस, डॉक्टर खमर अब्बास, राजा मोहम्मद अमीर नकी खां, मौलाना मिर्ज़ा रजा अब्बास साहब, मौलाना सैयद फ़ायश हैदर रिजवी साहब, मिस्टर ज़िया अब्बास साहब, ये सब इनके परिवार के हैं। खैर इस तरह से पूरा मैं आपको ये दे देता हूँ, बहुत सारे जो हैं वो इनके परिवार के। उसके अलावा जो इन्होंने नौकरियां दी हैं लोगों को, समझ रहे हैं आप, वो भी जो है क्या कहते हैं उसकी भी लिस्ट है, देखिए इसमें लिस्ट हमने भी लगाई थी, देखिए वो जो नौकरियां जिन लोगों को दी हैं, 70-75 लोग ऐसे हैं कि जो एलिजिबल नहीं हैं, और उनके नाम पूरे जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपको जारी कर दूँगा, लिस्ट मेरे पास आ नहीं पाई अभी, वो पूरे नाम मैं जारी कर दूँगा, जो ये कहते हैं मैं शिया कम्युनिटी को जॉब्स दे रहा हूँ, वो भी इनका झूठ मैं सामने लेके आ रहा हूँ कि शिया कम्युनिटी के कितने लोग इन्होंने नौकर रखे हैं और दूसरी कम्युनिटीज के कितने लोग इन्होंने वहाँ पर जॉब दी है। शिया कम्युनिटीज़ के लोगों को इसलिए जॉब देने से कतराते हैं कि जो ये भ्रष्टाचार करते हैं, भाई किसी को जॉब देंगे उसे 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपये जो ये लेंगे, वो पैसा कम्युनिटी में ना खुलने पाए, क्योंकि इनको झूठ बोल के धार्मिक लिवादा भी उड़ना है, भाई जो आदमी 35 लाख रुपये रिश्वत दे देगा वो फिर नौकरी करने के बाद इनके पीछे कभी नमाज तो पढ़ेगा नहीं, ना इनके पीछे कभी इनसे मजलिस बढ़ाएगा कि साहब बेईमान हो, चोर हो तुम, पैसे ले रहे हो रिश्वत के नौकरी के। एक भी आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, एक भी आदमी शिया कॉलेज के अंदर किसी गरीब परिवार का नहीं है जिसको नौकरी मिली हो। तो आपने एलयूबीसी से कुछ इसमें हस्तक्षेप की बात की जी? हाँ, मैंने आज अभी फिर मैं मिलके आया हूँ। डिमांड क्या रखी? डिमांड सर मैंने रखी है कि जितनी नियुक्तियाँ हैं ये वाली अभी जो हुई हैं रिसेंटली, ये सारी निरस्त हों, क्योंकि मैं इसका पर्दाफाश कर चुका था 21 तारीख को, तो उसमें जो बाकी नियुक्तियाँ हुई हैं वो भी सब फेक हैं, वो सब निरस्त करी जाएँ। उसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया वो बिल्कुल 100% इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, है ना, ये पूरी बात है। अब हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये जितनी भी चीज़ें ये करते हैं
वो सारी चीज़ें मैं रोज़ उजागर करूंगा। मैं इनको 10 का सिक्का वहां से खाने नहीं दूंगा। ईडी की जांच इनके परिवार की मैंने सेट करा दी है, सब चीज़ इनके खिलाफ होगी।